वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा हेयर मास्क है फॉर द ड्राई फ्रिजी हेयर एंड इस मानसून के सीजन के लिए वो बेस्ट है। इसमें जो की इंग्रेडिएंट है हमारा वो है एग, कर्ड, कैस्टर ऑयल, एक एसेंशियल ऑयल मैंने यूज़ किया है एंड बस। अगर आप चाहो तो इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, बट ये आपके हेयर के ग्रोथ के लिए, हेयर के शाइन के लिए, हेयर के लस्ट्री के लिए, उसके नेचुरल जो भी उसका कर्ल्स है या वेवी है या सिल्की टोन पे है, स्ट्रेट हेयर्स है, जैसे भी है, वो उसके ओरिजिनल टोन में ही उसको वापस लेके आए। तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी कूल रेमेडी आई कैन से, कि आपके बालों को बहुत अच्छे से नॉरिश भी कर रहा है, मॉइस्चराइज भी कर रहा है एंड रीग्रोथ के लिए भी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नाउ फॉर दैट आई हैव टेकन कर्ड। कर्ड मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 स्पून लिया है, 1 एग एंड द थर्ड इन्ग्रीडियंट इज द कोकोनट ऑयल, बेस्ट होता है हमारे हेयर के लिए, एंड एसेंशियल ऑयल है और ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, बताऊँगी मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको। एंड द फिफ्थ इन्ग्रीडियंट इज कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक 1 स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड ऑलमोस्ट 1/4 कैस्टर ऑयल, क्योंकि ये बहुत ही थिक होता है। Now 2 to 3 drops of rosemary essential oil. Now I will mix them all with egg. बहुत अच्छे से mix करना है आपको इन सबको। Now see, I have prepared the mask जिसे मैंने डाला है curd, egg, एक essential oil डाला है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी and सबको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल दिया है बिकॉज मेरे बिल्कुल ही बाल ड्राई एंड फ्रिजी थे एंड थोड़ा सा ये देखो हम मेरा जो बाल है ना वो कर्ली टोन पे है, तो स्पेशली ये मास्क जो है वो कर्ली फ्रिजी हेयर वालों के लिए है। ठीक है, फुल्ली डीप कंडीशनिंग करेगा। जो फर्स्ट टाइम मैं ऐड कर रही हूँ ना वो है एग, बहुत टाइम के बाद मैं एग वाली ही मास्क बनाई है मैंने, तो 4-5 इन्ग्रीडियंट्स के साथ ये बेस्ट है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं ऐड किया है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल मैंने ऐड कर दिया था इसलिए मैंने विटामिन ई नहीं डाला। आप या तो विटामिन ई की कैप्सूल डाल लो या फिर कैस्टर ऑयल डाल लो या फिर आप दोनों ही डाल सकते हो। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई हेयर, बिल्कुल थिन सेगमेंट्स में मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताने वाली थी बेनिफिट्स ऑफ द रोजमेरी ऑयल। इट रिड्यूसेस द स्प्लिट एंड्स, इट प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ, एंटी फंगल इन एक्शन होता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है एंड सबसे बड़ी बात ये नॉरिश करता है आपके स्कैल्प को, स्कैल्प बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे इफ़ यू यूज़ रोजमेरी इन रेगुलर यूज़। रोज़मेरी को ना आप दो तरीके से और यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कंडीशनर यूज़ करते हो उसमें 1 या 2 ड्रॉप्स डाल दो, या फिर आप जो शैम्पू यूज़ करते हो उस शैम्पू में भी आप 1-2 ड्रॉप डालकर अगर यूज़ करोगे तो स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी और तब फिर हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। ऑलमोस्ट हेयर फॉल के एवरी जो रीज़न्स है ना उस पर ये काम करता है, लाइक हेरिडिट्री हो या हार्मोनल चेंजेस हो, कोई मेडिसिन की वजह से हो, कोई फिजिकल स्ट्रेस हो, कोई प्रेगनेंसी हो, लैक ऑफ प्रोटीन हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, एवरी तरीके के जो रीजंस हैं ऑफ द हेयर फॉल उन सब के लिए रोजमेरी ऑयल इज़ द रामबाण। नाउ यू कैन सी कि आई हैव अप्लाइड इट ऑल ओवर माय हेयर और इसको मैं मिनिमम 30 to 40 मिनट्स छोड़ने वाली हूँ सो दैट अच्छे से जो भी मॉइस्चर है, जो भी चीज़ें हैं वो हेयर में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस मास्क को अप्लाई करो ना उसके पहले क्लीन योर हेयर, फर्स्ट स्टेप, एंड दूसरा अगर आप कर सकते हो तो, जैसे आज मास्क लगाना है आपको, 1 डे बिफोर
रात में आप अच्छे से अपने बाल को ऑयलिंग कर लो एंड मॉर्निंग में अच्छे से वॉश कर लो, ठीक है। तो अंदर स्कैल्प में भी अच्छे से आपका क्या हो गया कि जो आपने ऑयलिंग की थी तो स्कैल्प भी अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है। अब जब आपने ये मास्क लगाया है तो इस मास्क से क्या होगा, आपका पूरा हेयर अच्छे से अंदर और बाहर, आई मीन स्कैल्प से लेकर के पूरे हेयर के रूट तक, लेंथ तक, सारी चीज़ें अच्छे से क्या हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो अब मैं इसको वॉश करूँगी 30-40 मिनट्स के बाद। आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। तो वॉश करने के बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारे हुए, आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारे हुए, यूं ना नजरों से हमको चुरा। एंड अगर आपको मेरी ये एरिया वाइज रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज डू शेयर योर रिजल्ट्स एंड कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस सो दैट आई कैन आंसर यू। थैंक यू।